मुझे अभी तक समझ नहीं आ रहा कि मैं इस वीडियो का आगाज कैसे करूं। मतलब लगता है कि यार इतना सब कुछ होने के बाद अभी भी मैं इनको ही सपोर्ट कर रहा हूं, तो खुद के ऊपर तरस आ रही है यार, खुद के ऊपर, अपने दोस्तों के ऊपर। आज की वीडियो में मैच से ज्यादा अपनी दिल की बातें बोलूंगा। तो पहली बात, आज तो एक ये क्लियर हो गया कि बाबर आजम और विराट कोहली का कोई कंपैरिजन नहीं है। ये बात आज क्लियर हो गई। क्यों? क्योंकि आपके सो कॉल्ड किंग के अंदर इतनी हिम्मत तो है नहीं कि वो पावर प्ले कह रहा हूँ, वो सुपर ओवर में आके मैच जिता सके, इतनी तो हिम्मत उनके अंदर है ही नहीं। ठीक है, और इसकी जो औलाद है ना, फिर बॉबी सन्स, वो फिर आ जाते हैं कि जी आपने हमारे अब्बा को बोला कैसे, जी आप किंग 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 बाबर किंग। भाई कोई ऐसे नहीं बन जाता, ग्रेटेस्ट ऑफ ऑल टाइम कोई ऐसे नहीं बन जाता, लिविंग लेजेंड उसको ऐसे ही नहीं बोलते। आज ये प्रूफ भी हो गया। 82 नॉट आउट वाली इनिंग्स तो बहुत दूर की बात है भाई। आज का ये मैच भी जिता देता ना इस टीम के आगे, तब भी मैं कह लेता हाँ भाई इसके अंदर पोटेंशियल है, जिता देता, मान जाता भाई, लगा देता दो छक्के एक चौके, आ जाता भाई ये सुपर ओवर के अंदर। लेकिन आया ही नहीं, डर रहा था बेचारा कि भाई कहीं मैं एक्सपोज ना हो जाऊं कि मैं मैच विनर नहीं हूं। मैच विनर है ही नहीं, हिम्मत है ही नहीं इसके अंदर, कैप्टेंसी भाई मैं तुझे बैक कर करके थक गया। ठीक है, पहली बात तो मैं ये कहूंगा, आज ये क्लियर हो गया कि क्यों विराट कोहली को किंग कोहली बोलते हैं। और इसके जो बच्चे हैं ना, अगर अभी भी तुम अपने पापा को जो है ना बैक कर रहे हो कि जी आपने हमारे पापा को बोला कैसे, तो लानत है तुम्हारी जिंदगी पर, लानत है तुम्हारी बेगैरती पर, कि इतना सब कुछ होने के बावजूद भी तुम अपने पापा को बैक कर रहे हो। तुम्हारे पापा की वजह से हमने पहली मर्तबा वर्ल्ड कप में हम अफगानिस्तान से हारे, हम जिम्बाब्वे से हारे, जलील होके हारे, हारे नहीं सिर्फ जलील होके हारे, साउथ अफ्रीका के सामने हम लोग हारे, वो ऑब्वियसली साउथ अफ्रीका के सामने पहले भी हारे थे, बट इतना गंदा वाला हारे सिर्फ इसकी कैप्टेंसी के अंदर गलत डिसीजंस की वजह से। इंडिया वाला मैच याद है ना 2022 T20 वर्ल्ड कप का, वो भी हम लोग इसकी घटिया कैप्टेंसी की वजह से हारे। ठीक है, ये बात हो गई। इसकी कैप्टेंसी में बहुत सारे मेन इंपॉर्टेंट मैचेस हमने हारे हैं, और उसके अलावा भाई पाकिस्तान की हिस्ट्री में जितने चांसेस एज कैप्टन इसको मिले ना, किसी को नहीं मिले। आपने 4 वर्ल्ड कप आपको मिले, ठीक है, इस वर्ल्ड कप को गिन के बोल रहा हूँ, और आपको 6 टूर्नामेंट्स टोटल मिले हैं, 2021 का T20 वर्ल्ड कप, 2022 का T20 वर्ल्ड कप, 2022 का एशिया कप, 2023 का एशिया कप, 2023 का वर्ल्ड कप, और फिर अब 2024 का T20 वर्ल्ड कप। 6 टूर्नामेंट्स आपको मिले हैं भाई, विराट कोहली को इतने टूर्नामेंट्स नहीं हुए ना जितने तुझे मिले हैं भाई, ये करने के लिए। अब यूएसए से भी हम लोग हार गए यार, ऐसी कौन सी टीम है, इसने अभी तक कुछ उखाड़ा नहीं है। बातें तो ऐसी है ना, सबका आंसर जी मैं ग्राउंड पे दूंगा, ओवर कॉन्फिडेंस करा लो इनसे, गैरत नाम की तो चीज इनमें है नहीं। जब वर्ल्ड कप के दौरान भी रवि शास्त्री पूछ रहा था इससे कि बाबर आपको कैसा लग रहा है इंडिया में आके, जब उसने हिंदी में सवाल पूछा तो तुझे कौन सी चुल मची है भाई इंग्लिश में अपना मजाक उड़ाने की, जी एक्सपेक्टेड वेरी, यस वेरी एक्सपेक्टेड, हमने ऐसा एक्सपेक्ट नहीं किया था ऐसा, समझ ही नहीं आ रहा, डरा हुआ है भाई, कॉन्फिडेंस है नहीं बंदे में, और इसको हमने कैप्टन बना के रखा है, बल्कि जबरदस्त, और कैप्टन भी बनाए इसके अपने बच्चों ने कि जी आपने हमारे पापा को कैप्टनसी से हटाया कैसे। अब सारे छुपे पड़े हैं, अब रील्स नहीं आएंगे इंस्टाग्राम पे, अब एस्थेटिक्स नहीं आएंगे, अब वोलसम मोमेंट्स नहीं आएंगे, अब सब छुप के बैठे, अब कोई कुछ बोलेगा नहीं। आज निहायत ही घटिया किस्म की ओडीआई इनिंग्स खेल के गया है बंदा, हिम्मत थी नहीं इसके अंदर के सुपर ओवर में आके भाई कर सके कुछ। उसके अलावा आजम खान पे मैं बाद में आता हूं, पहले मैं इसकी बात करूंगा, ओडीआई की इनिंग्स खेल के गया। अब जी कुछ जो 2% के क्रिकेट फैंस है ना, क्रिकेट फैंस नहीं, 2% के पाकिस्तान क्रिकेट टीम के फैंस है ना, जिन्होंने अभी 2021 के T20 वर्ल्ड कप के बाद से ही जो है ना क्रिकेट देखना स्टार्ट करा है, वो अब आ जाएंगे इसको डिफेंड करने की यूएसए के अंदर जो है ना पिचेज ही ऐसी स्लो है। ओ बस कर जाओ, मुझे मत सिखाओ, 2013-14 से क्रिकेट देखता आ रहा हूँ मैं, ओडीआई टेस्ट वाला बंदा हूँ मैं, मुझे ओडीआई क्रिकेट आज भी T20 से ज़्यादा अच्छा लगता है, मुझे टेस्ट क्रिकेट का लास्ट डे आज भी T20 के 5 फाइनल ओवर से ज़्यादा एक्साइटिंग लगता है, मैं वो बंदा हूँ, तो मुझे तुम क्रिकेट के बारे में मत सिखाओ। ये जो पिच थी ना, यूएसए का फर्स्ट मैच कैनेडा के अगेंस्ट था, यही बॉलिंग लाइनअप थी, यही ग्राउंड था, यही सेम कंडीशंस थी, यही पिच थी, इसी पिच पे कैनेडा जैसी टीम ने इसी बॉलिंग लाइनअप को 194 मारे, 194 रन्स, मजाक नहीं होता, ये 200 का ग्राउंड था भाई, ये टेक्सिस का ग्राउंड है, ये न्यूयॉर्क की ग्राउंड नहीं है कि वहां पे तुम बहाना कर सकते हो कि जी जो है ना पिच बड़ी खराब थी इसलिए हम 160 पे, अबे हालत खराब हो गई थी, फेफड़े बाहर आ गए थे तुम लोगों के, 19 डॉट बॉल्स खेली आज बाबर ने, 19 डॉट बॉल्स, डिफेंड कर करके थक गया। अब तुम कहोगे जी इतना बुरा भला क्यों कह रहे हो, अबे क्यों ना बोलूं भाई, मैं हक बनता है मेरा, इनको जो पैसे मिल रहे ना मेरे तुम्हारे पैसों से मिल रहे हैं, हम टैक्स पे करते हैं। और आज इसके बच्चों को समझ आ गया, इसकी जो जितने भी बॉबी सन्स आते ना इंस्टाग्राम पे बातें करना जानते कॉमेंट सेक्शन के कीबोर्ड वॉरियर्स, उनको ये बात समझ आ गई कि बाबर आजम इज नॉट इवन क्लोजर देन विराट कोहली। आई एम नॉट डिसरिस्पेक्टिंग बाबर आजम, बट जो भी है यही है, इसी की वजह से हारे हैं, सिर्फ इसको भी मैं दोष नहीं दूंगा, कैप्टेंसी तो है ही है,
सिलेक्शन कमेटी, चेयरमैन, सबके सब मेरी समझ से बाहर है। इस टीम के अंदर इतनी गैरत नहीं है, इसको इतने ऑफर्स मिल रहे हैं, भाई तुम ये कर लो तुम्हें ये दे देंगे, इतने पैसे दे देंगे, T20 वर्ल्ड कप जीत जाओ ये कर देंगे, उतने पैसे दे देंगे, लेकिन अभी भी गैरत नहीं आती। अब बॉबी फैंस भी बहाने देना छोड़ दे, ये न्यूयॉर्क की ग्राउंड नहीं है कि तुम आगे बोलोगे जी जो है ना ODI की इनिंग्स इसने खेली है, ऐसी कोई बात नहीं है, पिच बड़ी स्लो थी, पिच कोई स्लो नहीं थी। अबे उनका जो कैप्टन था USA का उसके बारे में तो पिच स्लो नहीं थी, वो 37 बॉल्स पे 50 बना के गया है, वो उसके बारे में तो पिच स्लो नहीं थी, वो तो खेल के गया, वो सारे खेल के गए भाई। अबे पावर प्ले में कितना अच्छा खेले थे, इनका कोई एरन जोन्स है कौन है वो, क्या कैच पकड़ा है उसने रिजवान का, क्या कैच पकड़ा है उसने रिजी का। अब मैं आऊंगा आजम खान पे, भाई आज तक पाकिस्तान की हिस्ट्री का सबसे बड़ा पर्ची ये है, ठीक है सबसे बड़ा पर्ची है जो है ना आज फिर से अंडे पे आउट हो गया, ये एक्सपोज हो गया था इंग्लैंड वाली सीरीज में, ये इंग्लैंड वाली सीरीज में ही एक्सपोज हो गया था। मैं जानता हूँ मैं इसको बैक कर रहा था कि वेस्ट इंडीज की पिचेस पे चलेगा, ये वेस्ट इंडीज की पिच थी नहीं पहली बात तो, USA की पिच है, बट खैर फिटनेस पे मैं इसकी स्टार्टिंग से बात करते आ रहा हूँ कि भाई अपनी फिटनेस पे फोकस कर, लेकिन फिटनेस पे फोकस तो भाई को करना ही नहीं है। जिस दिन मुझे लगेगा ना कि फिटनेस पे फोकस करना है मैं फिटनेस पे फोकस करूंगा, भाई क्रिकेट में इतना अनफिट बंदा यार, इंग्लैंड वाली सीरीज में देखा ना इसका क्या हाल हुआ, मार्क वुड ने 3-4 बाउंसर कराई, शॉर्ट बॉल्स डाली, इसके हाथ पे लग के वो बाउंसर भाई कैच आउट हो गया, ये वहीं पे ही एक्सपोज हो गया। पिछले 5 मैचेस में से मेरे ख्याल में कोई 3 मैचेस में ये डक पे आउट हुआ है, आज तो भाई इसने गोल्डन डक ले लिया, पहली बॉल पे आउट हो गया। शुक्र है कि इन्होंने कोई बात सुन ली है कि रिजवान को जो है ना इन्होंने फिर से विकेट कीपर का रोल दे दिया, भाई इससे नहीं हो रही थी। रिजवान ने आज बहुत अच्छी विकेट कीपिंग की, कुछ क्रूशियल कैचेस भी उसने पकड़े, काफी टफ कैचेस थे ठीक है, हालांकि वो भी थोड़ा सा डगमगा रहा था, लेकिन अच्छी कीपिंग की उसने। कंपेयर टू आजम खान ही इज फार बेटर देन आजम खान एज विकेट कीपर, लेकिन खैर बैटिंग में आज शादाब अच्छा चला यार, शादाब ने बढ़िया बैटिंग करी आज, मैं तो बहुत ही ज्यादा शॉक रह गया था ठीक है। शादाब को जितनी गालियां दे रहे थे ना सब, भाई अब वो सब वापस ले लेंगे, एक तो शादाब, दूसरा तो शुक्र करो वो शाहीन ने एंड में आके छक्के छुके मार दिए, इसलिए हमारा टारगेट किसी तरह 160 तक पहुंच गया था, वरना भाई हम और ये एक्स्ट्रास को साइड में करें ना भाई, हमारी टीम 130 पे ही पैक हो रही थी इस USA की टीम के सामने। अब USA 2 मैचेस तो जीत गई है और इंडिया के सामने तो 90% भी नहीं बल्कि मैं कहूंगा 99% चांसेस है कि पाकिस्तान हारने वाली है इंडिया के अगेंस्ट। अब उनके अगेंस्ट तो हम लोग हारेंगे, तो जाहिर सी बात है USA ने अगर आयरलैंड को हरा दिया तो USA चली जाएगी, और मैं चाहता हूँ कि इंडिया हराए पाकिस्तान को, मैं चाहता हूँ, ये जो हमारे ऊपर एक अजाब है ना ठीक है, बाबर आजम कैप्टन ये निकल जाएगा। अब एक कैप्टनसी काहे की कैप्टनसी यार, कैप्टन का काम पता है क्या होता है, जब टीम जब मैच फंस जाता है ना तो वो बंदा आके भाई प्लेयर्स को समझाए कि क्या करना है क्या नहीं। कैप्टन होता क्या, लीडर होता है कैप्टन, कैप्टन था अर्जुना रानाटुंगा, कैप्टन था MS धोनी, ये सारे क्या, कैप्टन था मिसबाउल हक, कैप्टन था यूनस खान ठीक है, इन सबको कैप्टन बोलते थे, कैप्टन था आपका सैफी भाई सरफराज अहमद यार, वो कैप्टन था, ये सारे कैप्टन थे। आप बैटिंग में जितना ट्रोल कर लो यार सरफराज अहमद को, बट सरफराज अहमद से बेहतरीन कैप्टन पिछले 10 सालों के अंदर मैंने पाकिस्तान क्रिकेट टीम में नहीं देखा, कैप्टनसी की मैं बात कर रहा हूँ, कैप्टनसी सरफराज अहमद से अच्छी कैप्टनसी मैंने पिछले 10 सालों में पाकिस्तान टीम में देखी नहीं, मैं कैप्टनसी की बात कर रहा हूँ। पहले भी मैं उसकी बैटिंग भी उसे क्रिटिसाइज करता आ रहा था, कैप्टनसी पे मैंने कभी बात नहीं की, कैप्टनसी पे कोई शक ही नहीं बनता कि सरफराज अहमद पे कोई उंगली उठाए, तो वो सब आके अपने बॉलर से बात करते हैं, उनको कुछ समझाते हैं। बॉबी तो कुछ करता ही नहीं है, यही करवा लो इनसे क्यों। अबे कैप्टन का रोल क्या होता है इसको अभी तक ये नहीं पता, और इसको टेस्ट की कैप्टनसी चाहिए, वो तो भला हो शान मसूद का कि भाई वो टेस्ट का कैप्टन है हमारा, उसको बात करना आता है, उसके अंदर कॉन्फिडेंस है, वो जानता है कि कैप्टनसी बोलते क्या है। मैं हमेशा से इस डिसीजन के सपोर्ट में हूँ कि शान मसूद को अच्छा हुआ कैप्टनसी मिली, नहीं तो ये बंदा तीनों फॉर्मेट की कैप्टनसी मांग रहा था। अबे T20 सबसे इजीएस्ट फॉर्मेट है, T20 की कैप्टनसी हो नहीं रही और चला है भाई टेस्ट और ODI की कैप्टनसी करने, सबसे इजी फॉर्मेट T20 है। जो लोग क्रिकेट देखते हैं उनको पता है कि T20 कैसा फॉर्मेट है और ODI और टेस्ट कैसा फॉर्मेट है। खैर निहायती थर्ड क्लास किस्म की कैप्टनसी, थर्ड क्लास किस्म की टीम सेलेक्ट, पहले भी मैं बोलता आ रहा था कि भाई आमिर जमाल को टीम में लो, आमिर जमाल को टीम में लो, नहीं वो तो यार शुक्र है कि एंड में मोहम्मद आमिर ने मैच किसी तरह फंसा दिया था। मोहम्मद आमिर का भला हो, मैं उसने भी भाई मैं कहता हूं सुपर ओवर जब मिला, सुपर ओवर में वो भी वाइड डाल रहा था, वाइड पे वाइड घटिया बॉलिंग की उसने भी, ठीक है चौके खाए उसने, 18 रन खाए सुपर ओवर के अंदर, बट जो भी है उसने सेकंड लास्ट ओवर में मैच फंसा दिया था कि भाई ये लो 6 बॉल्स में 15 रन हम डिफेंड करके दिखाओ। हारिस साहब कुटखाने में लगे फिर से जो है ना, उनको कहीं से उनकी पुरानी आत्मा आ गई, जी मैं अच्छा बॉलर हूँ, अबे घंटा मैं अब कुट खाऊंगा। भाई हारिस रऊफ का पीक चला गया, पीक है अभी भी, वो विकटे अगर निकाल रहा है बट स्टिल उसका पीक चला गया। हारिस रऊफ का जो पीक था ना 2020-21-22 ये 3 साल, इन 3 सालों में भाई इसका करियर फुल पीक पे था, अब इसका यार पीक चला गया,
अब ये वो बॉलर नहीं है जो पहले था, ये अब वो परफॉर्मेंस ही नहीं है बंदे की। चलो ठीक है, मैं मानता हूँ विकटे ले रहा है, अच्छी बात है, बट कुट भी तो कितनी खा रहा है भाई। इतनी गैरत नहीं है इनके अंदर के भाई हमारी जो इतने सालों की लेगेसी है, हम लोग 60 सालों से क्रिकेट खेलते आ रहे हैं, ठीक है, उसी को देख के भाई थोड़ी सी शर्म कर लें हम लोग कि ये जो पिछले 4-5 सालों से इन्होंने क्रिकेट खेलना स्टार्ट किया, इनसे अब हम लोग हार जाएं। ODIs ये खेलते नहीं है, ODI वर्ल्ड कप क्वालिफायर में मेरे ख्याल में इन्होंने खेला था, एक मैच भी नहीं जीता इन्होंने भाई। ODIs ये नहीं खेलते, टेस्ट प्लेइंग नेशन ये नहीं है, T20 मुश्किल से खेले और इन्होंने कोई क्वालिफाई करके ये T20 वर्ल्ड कप पे नहीं आए, क्वालिफाई नहीं किया। फिर दोबारा से बोल रहा हूँ, वो तो इनकी टीम ये टूर्नामेंट होस्ट कर रही है इसलिए इन लोगों ने क्वालिफाई करा है भाई इस वर्ल्ड कप के लिए, ये लोग क्वालिफाई करके नहीं आए। अब इस ये हालत आ गई कि हम लोग इनसे हार रहे हैं। खैर, अब मेरा मन, एक जो एक्साइटमेंट थी मेरे अंदर इस T20 वर्ल्ड कप को लेके, वो खत्म हो चुकी है। अब मैं सिर्फ ये T20 वर्ल्ड कप देखूंगा, मैचेस तो कवर करूंगा, पाकिस्तान की मोस्ट प्रोबेबली इंडिया के मैचेस कवर करूंगा, इंडिया और आयरलैंड का मैच था और उन्होंने शो करा कि छोटी टीम्स को खेलते कैसे हैं। लास्ट T20 वर्ल्ड कप में भी उन्होंने हमें दिखाया कि भाई जिम्बाब्वे जैसी टीम से खेलते कैसे हैं। सीखने में कोई बुराई नहीं है, इंडिया से आप सीख सकते हो, सीखने में कोई बुराई नहीं किसी भी टीम से। अब मैं सिर्फ मैचेस देखूंगा, उनका रिव्यूज दूंगा, लेकिन मेरे अंदर पर्सनली कोई एक्साइटमेंट नहीं है अब। ठीक है, अगर ग्रुप स्टेज हमने क्लियर कर भी दिया, आगे चले भी गए, बट मेरे अंदर वो एक्साइटमेंट नहीं रहेगी अब जो T20 वर्ल्ड कप स्टार्ट होने से पहले थी या हमारा मैच स्टार्ट होने से पहले था, अब नहीं है भाई। अब बस मैं मैचेस कवर करूंगा, उनके रिव्यूज दूंगा, ठीक है, बस जो भी है यही है भाई। मेरा मूड नहीं था वैसे वीडियो बनाने का, बट वीडियो बनानी पड़ी ऑब्वियसली। इंडिया आयरलैंड वाले मैच पे मैं वीडियो बनाना चाहता था बट बना नहीं पाया क्योंकि हॉस्पिटल आना जाना हो रहा है, ठीक है, मेरी सिस्टर की तबीयत थोड़ी सी ठीक नहीं थी, तो होपफुली आप सब उसको दुआओं में याद रखिए, अपने रिक्वेस्ट करता हूँ मैं काइंडली कि आप उसको अपनी दुआओं में याद रखिए। तो इसलिए हॉस्पिटल आना जाना, उस वजह से मैं इंडिया आयरलैंड वाले मैच पे वीडियो बना नहीं पाया, बट अब से पाकिस्तान के जितने मैचेस होंगे और इंडिया के भी इंशाल्लाह मैं उन सब पे वीडियोस बनाऊंगा। पाकिस्तान क्रिकेट के लिए इससे बुरा कुछ नहीं हो सकता। फॉर मी दिस इज द डार्केस्ट डे ऑफ पाकिस्तान क्रिकेट इन देयर हिस्ट्री, दिस इज द डार्केस्ट डे ऑफ पाकिस्तान क्रिकेट। बात खत्म।